गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आरआर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने तत्सम और तद्भव में आपको बताया था कि कम से कम 3-4 वीडियो तो हो ही गया होगा और बहुत सारे शब्द चले गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का कलेक्शन करके मैंने रखा है इसको। तो इसमें देखिए, अभी मैंने बताया था आपसे कि कुछ प्रश्नों को मैं लिखूंगा, लेकिन संयोग से अभी इतने शब्द मिल गए हमको कि मैं अभी अगले वीडियो में ही दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ये शब्द निश्चित रूप से कहीं न कहीं ज्ञान में आए हैं और फिर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसका कलेक्शन किया है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको अलग से कुछ ज़्यादा न पढ़ना पड़े, और जो मैंने आपको किताब बताया है राघव प्रकाश की, तो उस किताब से बस थोड़ा सा सहारा ले लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा और आपको बहुत अच्छे शब्द मिल जाएंगे। किसी जगह और किसी चैनल पर आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। बस आप मात्र और मात्र वीडियो को आप देखते रहेंगे और आप ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो देख लीजिए, अकेला का एकल होता है, कपड़ा का करपट होता है, केवट का कैवर्त होता है। ये सब बहुत अच्छे शब्द हैं जो सवाल पूछे गए हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान में पूछे गए हैं। मक्खी का मक्षिका होता है, फिर आगे देख लीजिए, दीठ का दृष्टि होता है, और नया का नव्य होता है, होली का होलिका होता है, ऊंट का उष्ट्र होता है, पनही का उपाना होता है। पनही का उपाना शब्द ये कई बार सवाल पूछा गया है, और आपने शायद हाई स्कूल में या जूनियर इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जाते हैं तो वहाँ पर नरोत्तम दास ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाना को नहीं सामा। तो उपाना शब्द जो आया है वो यही शब्द है। तो ऐसे ही सिख का शिष्य लिखा गया है। और देख लीजिए आप कि सौत का सपत्नी लिखा गया है, अवधा का अवमूर्ध लिखा गया है, अवमूर्ध है, बहुत अच्छा शब्द है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में कंगन का कंकड़ होता है, पसीना का प्रस्वेद और प्रश्वेन्न, दो शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, ये बर्तनी में भी पूछा जाता है और ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा। अषाढ़ का आषाढ़ होता, देखिए बहुत कम अंतर दोनों में है, और ये जब पूछा जाएगा प्रश्न तो आप गलत कर देंगे। इस दोनों पर मात्रा लगी है तत्सम में, और यहाँ तद्भव में देख रहे होंगे एक पर मात्रा लगी है, ठीक। तो बस यही अंतर है, और इसी में कन्फ्यूज करा करके आपको आपका प्रश्न वो गलत हो जाएगा। अम्मा का अम्ब होता है, 98 का अष्टानवत होता है। आपकी जानकारी लिए बता दें कि गिनती से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं गिनती में कि जो बराबर वो पूछे गए हैं, रिपीट कर दिया है आयोग ने। तो जैसे 98 है तो 98 होता है, 41 है तो 144 होता है, ओढ़ना का उपवेष्टन होता है, बहुत अच्छा शब्द है ये। इसके बाद अवध का अयोध्या होता है। फिर आप देखेंगे, फिर मैं कुछ गिनती लिखा हूं, 29 लिखा गया है, 51। इसके बाद में 58 लिखा गया है, अष्टापंचाशत। फिर 29 लिखा गया है, 39। अचानक का अज्ञानात लिखा गया है। अज्ञानात में मैंने देखिए हलंत लगाया है, तो हिंदी में अगर आपने किसी प्रकार की गलती किया तो वो गलती माफ नहीं की जाती है, क्योंकि आप एस्से लिख रहे हो या सब्जेक्ट लिख रहे हो तब तो माफ किया जाता है, लेकिन अगर आपने हिंदी में कोई गलती किया है तो फिर वो 0 नंबर देता है। इसलिए आप हलंत कहाँ लगना है, कहाँ क्या लगना है, आ की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है कि छोटी है, ये सब मात्राओं का ध्यान रखेंगे, नहीं तो तुरंत को गलत मान लिया जाएगा आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जरा सा अंतर होता है तो विकल्प बदल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर हलंत लगा है तो हलंत का भी ध्यान रखेंगे आप। अजवाइन का यौनिका होता है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। चींची का पिपलिका होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। केंचुआ का किंचलिक होता है, ये सारे शब्द जितना मैंने लिखा है ये निश्चित रूप से सवाल बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप।
और अगर आपने इसको रिवीजन किया है ठीक ठाक तो ये गारंटी में ले सकता हूँ एक ही वीडियो से 2-3 प्रश्न आपके पहुंच सकते हैं। इसके बाद देखिए केचुआ का किंचलिक मैंने बताया आपको, कुत्ता का कुक्कुर होता है, केकड़ा का करकट होता है, कैसा का कीदृश। देखिए जो मैंने बताया था आपके तत्सम शब्द वह होते हैं कि जो संस्कृत से निकले और सीधे हिंदी में आए और वैसे ही प्रयोग होने लगे उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आप अपनी भाषा में उसको समझे रहिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तद्भव वह शब्द है जो संस्कृत से निकल कर हिंदी में आए लेकिन अपने रूप को परिवर्तित कर लिए, वो तद्भव हो गए। तो वो शब्द देहाती या देसी हो गए या जो आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो उसमें कुछ शब्द देखिए कैसा लिखा गया, कीदृश लिखा गया। चमेली का चंपक बेल होता है, महगा का महार्ग होता है। इसमें जितना भी शब्द मैंने लिखा है वो आप समझिए कि बहुत अच्छे शब्दों का कलेक्शन किया है। नहीं तो मैं आज वादा किया था आपसे कि मैं कुछ प्रश्नोत्तर करूँगा, तो प्रश्न मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि शब्द बहुत अच्छे लगे या बहुत अच्छे हैं भी तो मैंने लिख दिया। कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको कि आप तुरंत क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए, आप पहले शब्दों का कलेक्शन कर लीजिए। आपके पास शब्द भंडार जब हो जाएंगे तो आप चाहे तत्सम तद्भव पढ़ रहे हों, चाहे विलोम पढ़ रहे हों, चाहे पर्यायवाची पढ़ रहे हों, जो भी पढ़ेंगे तब आपको आसानी होगी। पहले आप थोड़े थोड़े करके पढ़ना शुरू करिए। जैसे आप अभी आपको मैंने मात्र तत्सम और तद्भव बताया है तो आपको थोड़ा बहुत पता तो चल गया होगा कि वास्तव में कोई क्वालिटी है भी मैटर में कि नहीं है, या ये सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे और संजोग से वीडियो को देखकर नहीं जाएंगे और लौट के आएंगे और जो वीडियो आपने कहीं गलती से खोल लिया तो आपको पता चलेगा ये तो मैंने महान गलती कर दिया। तो आप ऐसी गलती न हो उसके पहले ही सचेत रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आप लोग तैयार रहिएगा। और आप लोग जैसे ही जितना व्यू दे रहे हैं, जितना आपने काफ़ी सहयोग दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर मैं कल प्रश्नोत्तर के साथ मिलता हूँ।